रुक जाओ बेटो, मैं तुमको प्रसाद दे देती हूँ छठ का, छठ के खरना का प्रसाद। ये लो बेटो। माँ पर छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। जब छठ पड़ती माटी के चूल्हे पे गुड़ वाली खीर बना के शाम को केले के पत्ते पे भोग चढ़ाती हैं और अपना दिन भर का उपवास खोलती हैं और इस प्रसाद को सभी में प्यार से बांटती हैं और इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद ही उनका 36 घंटे का निर्जला उपवास की शुरुआत होती है। और पता है इस प्रसाद को सिर्फ लिया नहीं जाता, मांग मांग के खाया जाता है। खरने के खीर का अपना ही स्वाद होता है, है ना मिठू? पसंद आया ना तुमको भी? सभी को छठ पूजा खरना की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। जय छठी मैया। तुम्हें भी छठ का प्रसाद बहुत पसंद है ना मिठू, और खास के तो ये खरना का खीर। आखिर मेरे बेटा को भी बहुत पसंद है खरना का खीर। आप लोगों ने खाया प्रसाद? आज का प्रसाद जो खाइएगा, पहले तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसाद है और दूसरी बात कि बहुत टेस्टी होता है। आप लोग खुद ही देख लो मिठू कितना प्यार से खा रहा है, है ना मिठू? अच्छा है ना, है ना बिट्टू? कॉल ले बिट्टू, छठी मैया हमेशा तुमको खुश रखे और आप सब कुछ भी छठी मैया हमेशा खुश रखे। खूब सारा प्यार बरसा है आप पे। सबको बोल दो मिट्टू हैप्पी छठ पूजा। बेटा ऐसा नहीं करते बेटा, ये कह दो मिंटू हैप्पी छठ पूजा आप सबको। छठ पूजा करना की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग भी इस बार जाना खरना का प्रसाद खाने, तो मांग मांग लेके मत खाने, खाना मांग मांग के खाना। ऐसे मिंटू मांग मांग के खा रहा है कटोरे कटोरे करके, क्योंकि इस प्रसाद को मांग मांग के खाने में ही मजा आता है, है ना? है ना बेटा? छठ का प्रसाद थोड़ा सा नहीं खाया जाता, पेट भर के प्रसाद खाया जाता है, है ना मिट्टू? तो इस बार आप लोग जाना छठ का प्रसाद खाने, खाना मीठू मांग मांग के खा रहा है कटोरे कटोरे करके। एक बार फिर आप सबको माँ पर छठ पूजा की हार्दिक अभिनंदन, है ना बेटा? तुम ही बोल दो सबको हैप्पी छठ पूजा। और मीठू आप लोग ने आप लोगों को सिखाया है ना कैसे मांग मांग के खा रहा है छठ का प्रसाद, और सी करना आप लोग भी। एक बार मीठू फिर से बता दो सबको कैसे मांग के खाना है प्रसाद। हाँ बेटा, एकदम ऐसे ही मांग के खाना है आप लोग को अभी। चलो मीठू हम लोग भी प्रसाद खाते हैं। बाय आप सबको, हैप्पी छठ पूजा।